अयोध्या में भव्य राम मंदिर में आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। ये मंदिर महज पूजा करने की जगह नहीं बल्कि इसमें प्राचीन आस्था और आधुनिक विज्ञान का भी मिश्रण है। राम मंदिर मॉडर्न इंजीनियरिंग के चमत्कार को दिखाता है। इसे इतनी ज्यादा मजबूती दी गई है कि ये भूकंप के जोरदार झटकों और भीषण बाढ़ का भी सामना आसानी से कर सकता है। साथ ही अयोध्या का ये दिव्य राम मंदिर 1000 साल तक मजबूती से खड़ा रहने वाला है। टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड के मैनेजमेंट के साथ लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी की ओर से राम मंदिर बनाया जा रहा है। ये सावधानी पूर्वक बनाए गए प्लान और आधुनिक निर्माण तकनीकों का नतीजा है। राम मंदिर का डिजाइन पारंपरिक नगर वास्तु शैली से प्रभावित है। इसमें 360 पिलर लगाए गए हैं। मंदिर पूरी तरह से पत्थरों से बनाया गया है जिसमें आधुनिक लोहे, स्टील, यहाँ तक कि सीमेंट का भी इस्तेमाल नहीं हुआ। ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि मंदिर को भूकंप से सुरक्षित रखा जा सके। मालूम हो कि दूसरे मटेरियल की तुलना में पत्थर का जीवन काल लंबा और टिकाऊ होता है। यही वजह है कि अभी भी सैकड़ों साल पुराने कई मंदिर सुरक्षित हैं। मंदिर की नींव पर दिया गया विशेष ध्यान। राम मंदिर बनाते समय वैज्ञानिकों की ओर से उसकी नींव पर विशेष ध्यान दिया गया। इस मंदिर में रोल कॉम्पैक्ट कंक्रीट की 15 मीटर मोटी परत बनाई गई। इसमें फ्लाई एश डस्ट केमिकल से बने कॉम्पैक्ट कंक्रीट की 56 परतें शामिल हैं। इस मजबूत आधार को ग्रेनाइट की 21 फुट मोटे चबूतरे से और ज्यादा मजबूती दी गई है, जो मंदिर को नमी से बचाने में मदद करेगा। नींव के पिलर्स की तुलना नदियों पर बने बड़े पुल से कर सकते हैं, जो भूकंपीय गतिविधियों से मंदिर की मजबूती सुनिश्चित करेंगे। जमीन को 15 मीटर तक खुदवाया और मिट्टी निकलवाई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक राम मंदिर 6.5 तीव्रता का भूकंप सहने में सक्षम है। ऐसा अनुमान है कि 1000 साल तक इसमें मरम्मत की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंदिर बनाने वाली टीम ने अयोध्या से नेपाल तक के क्षेत्र में अब तक आए सभी भूकंपों की तीव्रता को मापा। इसके बाद इस मंदिर के लिए यूनिक फाउंडेशन डिजाइन करने के लिए प्रयोगशाला में काम हुआ। चेन्नई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ओर से कुछ अहम सुझाव मिले। इस आधार पर इंजीनियरों ने जमीन को 15 मीटर तक खुदवाया। वहां की ऊपरी मिट्टी को हटा दिया गया, फिर री इंजीनियर की गई मिट्टी को भरा गया। ये मिट्टी 14 दिन के अंदर ही पत्थर में बदल जाती है। इसके बाद फिर निर्माण प्रक्रिया के दौरान 47 परतें बिछाई गईं।